का बेड़ा गर्क कर दिया, नून लीग नहीं संभाल सकी मईशत, तो फिर किस तरह डिलीवर कैसे होगा? जंगल में मैं कहूं शेर भी बैठ जाए, चीता भी बैठे, बीच में भेड़िया भी बैठे, बीच में बकरा भी फिर आ जाए, वो आएगा? मफामत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। किस चीज हार मानते हैं? अरे भाई 1977 का मार्च ला भी पीटीआई ने लगवाया था, वो नॉन इलेक्टेड असेंबली, जिसमें ख्वाजा साहब आसिफ साहब के वालिद मोहतरम जो है बसा देता हूं, जिसके स्पीकर बने थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के वर्करों के गले काटे थे। तो ये सिर्फ इमरान खान के लिए रह गया है, ये मियां साहब की फैमिली के लिए रह गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब के और उनके बच्चों के लिए रह गया है। अब हाथ बैरल डेल नीचे मौजूद है, तके टोकरी करके हमें रख दिया है। और इस मुल्क में मैं कभी आपसे बढ़िया शेयर करूंगा रिपोर्ट में काम कर रहा हूं कि ये मुल्क गैस पर और शेयर गैस पर और पेट्रोल पे तैर रहा है, मगर उन्होंने बंद करवा दिए। क्यों बंद? हम इससे पहले एक मुर्दा उसका पिंजर बनाएंगे, फिर इसकी बोटियां खाएंगे। देखिए ये जो सिविल अमर है ना, ये जो अब इनकी 70-75 साल इनकी उम्र होगी और इनके शौक नहीं पूरे हुए, चौथी मरतबा भी मैंने ही वजीर आजम बनना है और मैंने अपनी बेटी को वजीर आला बनवाना है, तो कहने का मकसद ये है कि ये 72-73 जान छोड़ेंगे तो कोई नया आएगा ना? इस पार्टी में क्या औकात रह गई है चौधरी निसार की शटियों में? कोई मुझे बताए, शफाफ इलेक्शन कभी करवाई इन्होंने सारों ने? ये शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, कैसे मिलेंगे शफाफ इलेक्शन? वो है जिसमें ये जीते। मैं फिर चुप हो जाऊं। इलेक्शन में किसी भी पार्टी को बुला ले शफाफ इलेक्शन, एक क्यों सुई डटकी हुई है कि जब आपने जिस नए को बिठा के तजर्बा करके मुल्क चलाने की कोशिश की थी, मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ, क्योंकि इनके दुख और तकलीफ में इजाफा होगा, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिएगा, वो निकाला चले। सवाल पता नहीं आपने क्या किया था 3 साल में, फिर मुझे बात करने देना। असद उमर को किसने निकाला था? पाकिस्तान कायदे आजम ने पहले बना दिया। मैंने कहा आपको दुख और तड़प और इमरान खान ने, इमरान खान साहब का मसला ये है कि इनको अगर सुना जाए तो ये सुकून से रहते हैं, और अगर इनको जवाब दिया जाए तो मिनट मिनट में इनको बहस आती है। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी बात पूरी करनी है, मतलब इनको मसला क्या है? मैंने पटी साहब का मसला छोड़ के बात करनी है, इनको इमरान खान और मेरा क्या मसला है, इसको क्या सुना जाए, क्योंकि इस पे फोकस करें। जरा नजर भट्टी साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इरशाद भट्टी और आमिर इलियास राणा एक लाइव शो में आमने सामने आ गए। लफाफा खोर सहाफी आमिर इलियास राणा, जो हर शो में नून लीग की चपकलूसियां और बूट पॉलिश करता नजर आता है, आज लाइव शो में इरशाद भट्टी और सईद गनी ने आमिर इलियास राणा की ऐसी छित्रोल की कि मजा आ गया। इसके बाद आमिर इलियास राणा पूरे शो में मूछ पाता रहा। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस बार बात करते हैं। तरफ जाऊं, ये बात बहुत अच्छी लगती है कि किसी और को जो है वो आना चाहिए, और बिल्कुल हर किसी के पास ये मौका होना चाहिए, दे वांट टू कम टू पॉलिटिक्स। अमली तौर पर कितना ये डूएबल है? देखिए ये जो सिविल अमर है ना, ये जो अब इनकी 70-75 साल इनकी उम्र होगी और इनके शौक नहीं पूरे हुए, चौथी मरतबा भी मैंने ही वजीर आजम बनना है और मैंने अपनी बेटी को वजीर आला बनवाना है, बिलावल के सिरे पर सर पर सिरे सज जाएं, और मैं दोबारा अगर मुझे सदर मैं बन जाऊँ तो ठीक है। मौलाना साहब कहते हैं मेरे सदर या वजीर आजम बनने में क्या हर्ज है? और इसके अलावा ये MQM, परवेज़ मुशर्रफ MQM, काफ लीग MQM, इमरान खान MQM, नून लीग MQM, और कराची जो सईद काजी साहब कह रहे हैं, ये इसको अरूसल बिलाद कहा जाता था, अब ये अगवा भत्ता नामालूम कब्रों का शहर है, अब ये मक्खियों मच्छरों का शहर है, कूड़ा करकट का शहर है, और इसमें 3-3.25 दिहाइयाँ MQM ने राज की है, और आज ये जमहूरियत के लिए कभी रायवंड पहुंच जाते हैं, कभी बनीगाला पहुंच जाते हैं, कभी उधर काफलीग के पास चौधरी। तो कह रहे हैं हमें कहा जाता है हर हुकूमत में आपने शामिल होना, हम शामिल होते हैं, अगले दिन आपने सुना होगा बयान। तो बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आप शामिल होते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये कंधा दिया हुआ है जो जमहूरियत को। तो कहने का मकसद ये है कि ये 72-73 जान छोड़ेंगे तो कोई नया आएगा ना? इस पार्टी में क्या औकात रह गई है चौधरी निसार की, शाहिद खाकान अब्बासी की, मिफ्ता इस्माइल की, असद उमर की? क्यों सब चिमड़े में ये गदियाँ हैं, ये सोना उगलने वाली, ये वो हैं जो सोना उगलने वाली फैक्ट्रियां हैं, ये कोई जमहूरियत थोड़ी है, ये जमहूरियत पसंद थोड़ी है, इनके कभी पार्टी में जमहूरियत, अच्छा इनके किसी पार्टी में, सारी पार्टियों में कोई मुझे बताए शफाफ इलेक्शन कभी करवाई इन्होंने सारों ने? ये शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, कैसे मिलेंगे शफाफ इलेक्शन? वो है जिसमें ये जीते, शफाफ जमहूरियत वो है जिसमें इनका दाव लगा रहे सबका, पार्लियामेंट सुप्रीम वो है जिसमें ये बैठे हों, अच्छी अदालत वो है जो इनके हक में फैसला दे, नैब वो अच्छा है जो इनके मुखालफिन को पकड़े, FIA वो अच्छा है जो इनके मुखालफिन को अंदर करे, पुलिस वो अच्छी है जो इनके मुखालफिन को लित्तर मारे। आज साद रफीक साहब फरमा रहे थे कि हम वो भी कानून साजी करेंगे जो आम के फायदे के लिए। भाई अभी तो पहले EVM हम भुगत चुके हैं, नैब भुगत चुके हैं, नायली की कानून साजी भुगत चुके हैं, आपने आरिफ अरवी साहब ने तोड़ा आइन, आरिफ अरवी साहब ने दूसरी मरतबा भी आइन तोड़ा, यह 90 दिन में उनके फ़राइज़ में शामिल था कि वो ये देते, लेकिन एक तरफ पंजाब और KP में भी इलेक्शन आइन टूटा है, ये वफाक में भी आइन टूटा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन आइन के खिलाफ वर्जी, गुलाम अली KP का खिलाफ वर्जी, शहबाज हुकूमत खिलाफ वर्जी, आरिफ अलवी खिलाफ वर्जी, कासम सूरी खिलाफ हुए हैं। जब तक ये ग्लैमराइज करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये कहते हैं जमहूरियत और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए। मुझे बताएं एक तरफ रखें ना कि कौन सी चीज़ है जो जमहूरियत और मुल्क कौम की बेहतरी, MQM के साथ के MQM के मुखालिफ, ठीक पॉइंट, पार्लियामेंट के अंदर के पार्लियामेंट के बाहर,
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ نظام جو خود کو سوٹ کرتا ہے جلندھر میں کہ ادھر جدہ میں کہ ادھر کہ کس کا کون سی ہے جیل میں کے باہر اچھا مجھے ذرا عامر صاحب سے پوائنٹ لینے دیں بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح اب سچویشن دونوں مہمان بہت زیادہ ڈس انفرینچائزڈ ہیں آئی تھنک ملک میں یہ ایک جو آپ ڈس انفرینچائزمنٹ ہے وہ زیادہ چل رہی ہے بیکاز لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا فائدہ ہے اس کا جس سے ہمیں جو نظام ڈلیور نہیں کر رہا ہمیں ایسے میں جو ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے اس کے بعد یہ شور ہنگامہ ختم ہوتا تو نظر نہیں آ رہا یہ چلتا رہے گا کریڈیبلٹی کیا لگ رہی ہے آپ کو ان الیکشنز کی بھٹی صاحب نے جتنی جذباتی گفتگو کر کے دکھائی آپ کو اور سعید قاضی صاحب جذباتی بولتے ہیں لیکن نا مجھے جو لیک نظر آیا نا وہ یہ نظر آیا کہ سارے میں وہ لاڈلا مجھے نظر نہیں آیا سوائے اس فکرے کے جو آپ نے آخر میں کلوایا کہ ساری ورنہ ٹوٹل ون وے ون وے تھی ساری تقریریں جو پچھلے پانچ سال صاحب نے تو سب کو جو ہے میں نے آپ سے کہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے سب کا کہہ دیا اور انہوں نے کہہ لیا آپ کو اچھا بھائی میں پھر چپ ہو جاؤں الیکشن میں کسی بھی پارٹی کو بلا لینا شفاف الیکشن ایک بات کرنی ہے ایک کیوں سوئی ڈٹ کی ہوئی ہے کہ جب ہم نے عمران خان کو ضرور لٹاڑنا ہے بات وہاں سے شروع کرنی ہے بات ختم کرنے دینا بات ختم کرنے دینا وہ دکھ اور تڑپ ہے ان کی کہ اگر میں کوئی بات کروں گا میں تو آرام سے مزے لے رہا تھا لیکن بٹی صاحب اگر بولنا ہے تو پھر بول لیں ظاہر مزے ہیں آج کل تو مزے میں ہیں سارے میں تو بھائی ظاہر ہے کہ ایک بندے کے جملے ہی نہیں ختم ہوتے وہی والے ہیں جو روزانہ بولتے ہیں تھکتے بھی نہیں ہیں رٹ بھی نہیں ہیں وہ آپ نے پوچھا بھی تھا بک شو کدھر گئی ایشو یہ ہے سنبھالے گا کون تو اس کا کوئی حل تو آپ پیش کریں نا جذباتی گفتگو سے تو حل نہیں نہ ہونا یا تو آپ یہ کہیں کہ جی میرا یہ فوجی افسر ہے اور یہ ملک سنبھال لے گا آپ یہ کہیں کہ یہ چیف جسٹس ہے اور یہ ملک سنبھال لے گا یہ سول افسر ہے اور یہ ملک سنبھال لے گا کیونکہ سیاستدان تو سارے ایک ہی جیسے ہیں مطلب ایک جیسے ہوگی ایک کی امید جگوائی ففتھ جنریشن وار بنوائی بجائے اس کے کہ وہ دشمن ملک کے خلاف بناتے وہ اپنے ملک پہ چڑھائی نتیجہ کیا نکلا 3.5 سال کے بعد ہاتھ باندھ کے کہا خدا حافظ آپ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ کے مطلب وہ جو ایچ آر اچھی ڈھونڈتے رہے تھے ہمارے پروگرام میں وہ علیم خان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ کیا بزدار کو شوکت خانم کا ہیڈ لگایا جا سکتا تھا خان صاحب کی تو کپتانی بڑی مشہور ہے نا انہوں نے جو 92 میں وہ جو شکر ہے اس دفعہ ہم کوئی پتہ نہیں کہاں گئے ادھر اور ادھر سے ہم جیت گئے تھے بڑا تھا کہ جی کپتان ہے کپتان کی ٹیم میں نکلے کتنے آدھے گھنٹے بعد 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد سارے بھاگ گئے وہ لسٹیں بنا رہے ہیں کہ بھائی کوئی ٹھہرا بھی ہے یہ تھی کپتان کی مینجمنٹ اور ان کی آئی کہ وہ دیکھتے تھے کہ شاہکار لوگ میرے پاس ہیں یہ تھی اس کی ٹوٹل مینجمنٹ جس پہ نیا پاکستان بلڈ کیا اور پورے پاکستان کی تباہی بھیج دی آپ نے جس نئے کو بٹھا کے تجربہ کر کے ملک چلانے کی کوشش کی تھی میں آپ کو بتاؤں نواز شریف کیونکہ ان کے دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہوگا تھوڑا سا بلڈ پریشر چیک کر لیجیے گا وہ بنی گانا چلے سوال پتہ نہیں آپ نے کیا کیا تھا 3 سال میں گھسے پھر مجھے بات کرنے دینا اسد عمر کو کس نے نکالا تھا پاکستان قائد اعظم نے پہلے بنا لیا میں نے کہا کہ کس نے تھا تڑپ اور عمران خان نے بٹی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اگر سنا جائے تو یہ سکون سے رہتے ہیں اور اگر ان کو جواب دیا جائے تو منٹ منٹ میں ان کو بحث آتی ہے نہیں نہیں مجھے تھوڑی بات پوری کرنی ہے مطلب کہ ان کو مسئلہ کیا ہے میں نے بٹی صاحب کا مسئلہ چھوڑ کے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے عمران خان اور میرا کیا ان کو کیا سنا جائے کیونکہ اس پہ فوکس کریں کوئی فوکس 3.5 سال ہو تو میں بات سے نکل رہے ہیں مجھے سال بھول گئے 3.5 سال اور مارکس اپنے ملک کے لیے بڑا مزہ آ رہا ہے قسم سے آپ نے سوال پوچھ کر کے جواب گندم اسے کو سوال چنا جوان گندم بڑا مزہ آ رہا ہے بریک کے بعد اپ سعید قاضی صاحب کیا یہ الیکشن کے بعد جو ہے چیزوں منظرنامہ آپ کو بدلتا نظر آتا ہے یا یہ جو گرد و غبار جو الیکشن سے پہلے اڑ رہی ہے اور جو ہم پچھلے ایک وہ ہر 5 سال میں دیکھتے ہیں وہ چور ڈاکو ووٹ پہ ڈاکہ پڑ گیا سلیکشن ہو گئی یہی چلتا رہے گا اور اسی طرح چیزیں چلیں گی جو ہم آپ بھی بات کر رہے ہیں ہم سب بات کر رہے ہیں کہ مل کے بیٹھنا چاہیے وہ تو مجھے نہیں لگتا ہونے والا ہے پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے ایک تو میری درخواست ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک چارج شیٹ جو عمران خان کے خلاف ہمیں لکھ کے دے دی جائے اور ایک دن دے دیں اب حافظہ کام نہیں کرتا اگلے دن ہم امتحان لے لیں ہم رٹ کے سنا دیں گے امتحان بھی دے دیں گے نمبر ٹو یہ کہ ہم آپ کی چلے ہم ہار مانتے ہیں ارے بھائی 1977 کا مارشل لا بھی پی ٹی آئی نے لگوایا تھا وہ نان الیکٹڈ اسمبلی جس میں خواجہ صاحب آصف صاحب کے والد محترم جو ہیں بساط احترام جس کے سپیکر بنے تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے گلے کاٹے تھے ایک عامر کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ بھی خان نے کیے تھے یار ہم مان لیتے آپ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے اور بات یہ ہے کہ کیا کوئی کلیکٹو بات ہم کر سکتے ہیں ہم صافی ہیں ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم وہ آئینہ دکھائیں وہ تصویر دکھائیں جو درست ہے اور جو اس ملک کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں سوال یہ نہیں ہے یہ ہم پارٹیزن کیوں ہو گئے ہیں میں اور بٹی جو ہے وہ ہم ایک طرف کیوں نہیں ہیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمیں تو عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہیں آئین نظر آتا ہے تو بتائیں مجھے میں بھی دیکھوں مدد بچے سے ڈھونڈ رہا ہوں آج کل کدھر ہے وہ اور دوسری بات کیا کہ یہ عظیم قوم 24 کروڑ لوگوں کی یہ قوم جس میں عظیم لوگ پیدا ہوئے بھگت سنگھ جیسے شہید پیدا ہوئے اور بہت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قربانیاں دی اور یہ ملک بنائے اور تو یہ صرف عمران خان کے لیے رہ گیا ہے یہ میاں صاحب کی فیملی کے لیے رہ گیا ہے
शाह महमूद कुरैशी साहब के और उनके बच्चों के लिए रह गया है? पिछले पिछले 42 साल से 1700 बंदे इलेक्ट होकर बार बार आ रहे हैं, बकौल फरक सलीम, क्या फर्क है, क्या फर्क पड़ा? और इस तबके ने दिस तबका हैज एब्डिकेटेड द राइट टू रूल, एक खूबसूरत मुल्क जहां जहां 5 मौसम है, दुनिया का हर लैंडस्केप है, अरब अरब हाग बैरल डेल नीचे मौजूद है, टके टोकरी करके हमें रख दिया है। और इस मुल्क में मैं कभी आपसे बढ़िया शेयर करूंगा रिपोर्ट जिसमें मैं काम कर रहा हूं कि ये मुल्क गैस पर और शेल गैस पर और पेट्रोल पे तैर रहा है, मगर उन्होंने बंद करवा दिए। क्यों बंद करवा दिए? क्योंकि हमने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कौन, किसने फैसले करने होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने करने होते हैं ना। आई एम वेरी सॉरी टू इंटरजेक्ट, क्योंकि बिल्कुल आखिरी 3 मिनट रह गए, मैं दोनों मेहमानों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूं सोल्यूशन की तरफ। क्विकली जरा, कोई सोल्यूशन है या कोई सोल्यूशन नहीं? नहीं, इनके होते हुए तो कोई नहीं, ना ही समझे। हां जी, ये जो सारे बैठे हुए इस वक्त सब के सब, ये हमारे ऊपर जो हर पार्टी का, वो अपने अपने नैरेटिव के कैदी हो गए हैं, अपने अपने उनकी सच, अपने अपने आधे आधे सच लेके फिर रहे हैं। कोई इतनी नफरत और तकसीम मुआशरे में बढ़ गई है, इतने बुरान हो गए, स्टूडियो में भी देख लिया, इतने बुरान हो गए, मेरा भाई है वो तो हम हमेशा ऐसे कर रहे, लेकिन इतने बुरान हो गए, हमारा कोई इशू नहीं, हम लड़ भी लेंगे तो इसका मुल्क पे क्या असर पड़ेगा? वो ब्रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हर फोरम पे जा रहे हैं, मगर हम इसे रिडंडेंट कर रहे हैं। हम इससे पहले एक मुर्दा उसका पिंजर बनाएंगे, फिर इसकी बोटियां खाएंगे। क्यों चली मेरे दोस्त और मेरे प्यारे भाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की रिडंडेंट नहीं हुई, अपना जो थी उनकी पहले या आज भी है जो उनकी एयरलाइन थी, ये पाकिस्तान ये क्यों हो गई? और मैंने एक दिन सवाल किया, एक मैं नाम नहीं लेता, मुस्लिम लीग नून के एक बड़े, उनकी फैमिली के, हम प्रोग्राम लाइव कर रहे थे मैं और क्लासरा साहब, वो आए तो उन्होंने जनाब फोन कर दिया और क्लासरा साहब ने मुझे ब्रेक में कहा कि ये बात करना चाहते हैं कोई, हमने कहा जी बिल्कुल लाइन पे ले लें इनको। वो आए तो उन्होंने अपनी बात की, मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा हजूर एक बात तो बताएं, मैं आपके तबके से एक सवाल पूछता हूं कि यार आपकी दो मिशनें थी, एक आपकी जाती वो और एक हमारी कौमी, और कौमी का हुलकस निकल गया और तुम्हें देख के बिल गेट शर्माता है। इन द सेम इकोनॉमिक एनवायरमेंट आर डायमेट्रिकली अपोज टू रिजल्ट्स, क्यों निकले? तो मुझे वो कहने लगे, नाम भी बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो, वो कहने लगे कि यार हम प्राइवेट में ना एचआर बड़ा अच्छा रखते हैं। तो मैं कहा जब मेरा एहसास आता है, मेरा इदारा आता है, तो वहां दो नंबर आप एचआर रखते हैं। दूसरी बात रहेगी ये मफामत, कोई मफामत नहीं होती, ये ऐसी है जैसे जंगल में मैं कहूं शेर भी बैठ जाए, चीता भी बैठे, बीच में भेड़िया भी बैठे, बीच में बकरा भी बिरा जाए, वो आएगा? मफामत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। किस चीज की मफामत? हम ये अगर जो मुबैना चोर हैं उनकी हमें मफामत नहीं चाहिए, मुबैना कह रहा हूं, हमें इंसाफ चाहिए। और फिर ये बैठ के हमें आपस में मफामत कर लेंगे ताकि हमारी जेब कैसे काटनी है, किससे करें? इमरान खान से मफामत करेंगे? मैं कहूंगा जी नवाज साहब अच्छे हैं, वो कहेंगे वो इन अच्छों से जान छुड़ा दो, कोई बुरे हाल लेने दो, उन बुरों को भी आ लेने दो जो खामोशी से 75 साल से ये सर्कस, ये तमाशा, ये लूटमार देख रहे हैं। मैं का बेड़ा गर्क कर दिया, नून लीग नहीं संभाल सकी मईशत, तो फिर किस तरह डिलीवर कैसे होगा? मैंने आपसे पहले कहा था कि दायरों का सफर है, और हमारे दोनों भाइयों ने लाहौर से भी और इस्लामाबाद में भी दोनों ने उसको रेटर टाइप ही खत्म कर दिया। मेरी ना किस एक को जिसको नया पाकिस्तान बनाने के लिए भट्टी साहब ने पूरा फरमाइश और जोर लगाई, वो नए पाकिस्तान में भट्टी साहब को बुजदार दे गया, जिसपे वही जगह पे तनकीद भट्टी साहब ने 3.5 साल की। सईद काजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब खजाना खाली है और ये सब मुबैना चोर मुल्क के अदारों को बेचकर खाना चाहते हैं और मुफामत के नाम पर ये आवाम को दोबारा से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी मुफामत? मुफामत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए जो ये लोग किसी भी सूरत नहीं दे सकते, क्योंकि पिछली 16 माह की इनकी हुकूमत में हमने सब कुछ देख लिया। नाज़रीन, सईद काजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम वक्त पर ना खड़े हुए तो ये मुल्क को नोच कर खा रहे हैं और इसकी बोटियां तक खा जाएंगे। तो नाज़रीन, आपका इस हवाले से क्या कहना है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।